केजीएफ चैप्टर 2 के बाद बॉलीवुड हो या साउथ इंडस्ट्रीज हो, सभी हिल गए हैं क्योंकि केजीएफ ने तोड़ दिया है बड़े बड़े मूवी का रिकॉर्ड। अब हम बात करते हैं प्रभास की, जो इनकी पहले फिल्म आई थी बाहुबली 2, जो बॉक्स ऑफिस पे काफी तेजी से धमाल किया था एंड बहुत सारे पैसे का भी कलेक्शन किया एंड बड़े बड़े मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जितने भी ऑडियंस थे, जितने भी पब्लिक थी, सभी यही कह रहे थे कि प्रभास की फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। उस टाइम प्रभास नंबर 1 पे जा रहे थे। तो उसके बाद प्रभास की फिल्म दूसरी आई साहो, जो उतनी सक्सेसफुल मूवी नहीं रही, जिसके वजह से प्रभास के बहुत सारे फैंस फ्लोइंग कम हो गए। तो गाइस राधे श्याम मूवी जो थी प्रभास की, इससे बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि ये मूवी सुपर डुपर हिट होगी, जिसके वजह से प्रभास फिर नंबर 1 पे जाएंगे, लेकिन ये मूवी भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही एंड फ्लॉप हो गई। तो गाइस अब हम बात करते हैं बॉलीवुड की, जो 10वीं मूवी आई थी बच्चन पांडे एंड रनवे 34 एंड हीरोपंती 2 अभी तो चली रही है। तो गाइस हम अभी साइड करते हैं बॉलीवुड को, बात करते हैं अभी साउथ की। तो गाइस केजीएफ चैप्टर 2 जो यश की मूवी थी, बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी तेज से धमाल की है एंड बड़े बड़े मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़। तो गाइस अभी जो टक्कर होने वाली है प्रभास एंड यश की होने वाली है, क्योंकि प्रभास फिर से एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सालार। ये मूवी 2023 को रिलीज होगी, लेकिन कह नहीं सकते, मूवी जल्दी भी रिलीज हो सकती है क्योंकि ये मूवी आई है केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने। तो गाइस ये मूवी का बजट है 200 करोड़, मतलब ये मूवी 200 करोड़ रुपए में बनी है एंड इसकी डायरेक्टर है प्रशांत नील, जो केजीएफ चैप्टर 2 को बनाए हैं। तो गाइस डायरेक्टर एक ही है, एक्टर अलग अलग है, फिल्म अलग अलग है। तो देखते हैं केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड सालार मूवी तोड़ सकती है या नहीं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना एंड कमेंट करके ये तो जरूर बताना कि क्या केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है सालार, एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड